17 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्र पर्व को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि मंदिरों और पूजा स्थलों की साफ सफाई की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। इसके लिए 10 अक्टूबर से ही सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, जो 16 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसी के साथ महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि त्यौहार शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही मनाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील किया कि कोरोना काल को देखते हुए शांति और सद्भावना के साथ ही त्योहारों को मनाएं, जिससे इसको कोई दिक्कत ना आने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, देखिए जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको सफाई के लिए विशेष अभियान नगर निगम की तरफ से चलाया गया है, जो 10 तारीख से चल रहा है 16 तारीख तक चलेगा। और त्योहारों को देखते हुए जितने भी धार्मिक स्थान है, सरकार ने जो भी गाइडलाइन दिया है उसके हिसाब से पूरी व्यवस्था सभी लोग सुनिश्चित करें, जिससे उन्हें किसी प्रकार के दंड का भागी न बनना पड़े। मैं अपने नागरिकों से अपील करता हूं कि जो सरकार ने गाइडलाइन दिया है उस हिसाब से मूर्ति की स्थापना करें, पूजा करें और जो भी कार्यक्रम करें गाइडलाइन का विशेष ध्यान दें। इस तरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, हम लोग सभी लोग उस व्यवस्था को सुनिश्चित कराने में लगे हुए हैं।